हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ DFCCIL से रिलेटेड एक बहुत हेल्पफुल वीडियो। अगर आपने DFCCIL का फॉर्म भरा है तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए हम लोग देखते हैं कि DFCCIL में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन सा पैटर्न आता है। तो बात करें इसमें अगर एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ओवरऑल इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 96 आपके टेक्निकल और 24 आपके नॉन टेक्निकल होते हैं। अगर बात करें नॉन टेक्निकल की, तो 24 में से आपके 12 क्वेश्चंस रीजनिंग होते हैं और 12 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज होते हैं। लेकिन जनरल नॉलेज के मतलब ये नहीं है कि आप जनरल अवेयरनेस ना पढ़ें, करंट अफेयर्स के भी उसमें क्वेश्चंस मिले रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जनरल अवेयरनेस भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम में सही करने पर 1 नंबर मिलता है और गलत करने पर -1/4 हो जाता है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन करना है और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करना है। बात करें अगर हम DFCCIL के पेपर की, तो इसमें 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो टेक्निकल से होते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपको ओवरऑल टेक्निकल पे अच्छी पकड़ बनानी होगी, उसकी अच्छी से अच्छी तैयारी करनी होगी, ताकि आप जो 96 क्वेश्चन दिए हैं उसमें ओवरऑल कम से कम 75 क्वेश्चन आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएँ विथ एक्यूरेसी ऑफ एटलीस्ट 95%। आप सोच रहे होंगे कि DFCCIL का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। DFCCIL का पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप SSC और UPPCIL और अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते रहते हैं तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये है कि आपको अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं। चाहे बात करें हम बेसिक इलेक्ट्रिकल की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल्स की, दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स आपको देखने मिलते हैं। और बात करें अगर हम नॉन टेक सेक्शन की, तो उसमें रीजनिंग आपकी एवरेज आती है, उसमें हर तरीके की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, चाहे आपका ब्लड रिलेशन वाला हो, चाहे इसमें आपके अल्फाबेट वाले हों, चाहे आपके नंबर सिस्टम से हो, या फिर आपका बोर्ड वाला क्वेश्चन हो, सबका लेवल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। अगर आपने GK और रीजनिंग सही से पढ़ी है, तो इसमें आप इस G24 में से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको DFCCIL में अच्छे से नंबर हासिल करने हैं, तो उसमें आपको एटलीस्ट 24 में से 20 क्वेश्चन तो आपको सही जवाब देना ही होगा, ताकि आपको बचे हुए 96 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 70 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं तो आपका 90 पहुंच जाता है स्कोर, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा DFCCIL में, और उसमें सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए आपको टेक्निकल से ज़्यादा नॉन टेक में भी आपको एटलीस्ट ध्यान देना होगा। बात करें कि अगर टेक्निकल में पढ़ना क्या है, तो आपको जैसा पता है कि अभी आजकल का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। मोस्टली आप पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन सवाल नहीं आते हैं, अब जो सवाल आते हैं वो आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से आते हैं। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप BEE और इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी से तैयारी करें और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से अच्छा तैयार करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा आप जो मशीन है और पावर सिस्टम है उसको ना पढ़ें, उसको भी पढ़ें, लेकिन मेन आपका फोकस जो होना चाहिए वो आपका BEE और इलेक्ट्रॉनिक्स पे होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस और GK के लिए आप LUCET की बुक खरीद सकते हैं और उससे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह की तैयारी करेंगे तो आपका DFCCIL में नंबर बहुत अच्छा आएगा और आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएँ।